Adobe Illustrator, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, स्पेशली डिजाइनिंग के मामले में। पर आप ये नहीं जानते कि कैसे Adobe Illustrator को डाउनलोड करें, इसलिए आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप लोग Adobe Illustrator को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 100% जेन्युइन तरीके से। तो आ जाओ देखते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसे जाकर ओपन कर लो। सबसे पहले यहाँ कंट्री सिलेक्ट करो और फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर आ जाओ। अब यहाँ आपको तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस और स्टूडेंट टीचर्स। तो अगर आप लोग इंडिविजुअल पीसी या लैपटॉप में यूज करना चाहते हो इलस्ट्रेटर को, तो इंडिविजुअल प्लान ले सकते हो, या अगर मल्टीपल डिवाइसेज में यूज करना है तो बिजनेस प्लान। अब जैसे मुझे अपनी यूट्यूब वीडियोस को एडिट करना होता है या कभी कभी करवाना होता है, तो मैं बिजनेस प्लान लूंगा। और साथ में देखो यहाँ पर आपको 7 दिन का फ्री Adobe स्टॉक का ट्रायल मिल रहा है, इसको भी एड कर लेना। खैर बिजनेस प्लान पे आएंगे और यहाँ पर आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, तो कंटिन्यू करेंगे। अब ईमेल आईडी पूछी जा रही है तो एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे बिजनेस नेम पूछा है, फोन नंबर और साथ में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछी जा रही है, जो कि बेसिकली कंफर्म करना चाहता है Adobe दैट यू आर अ जेन्युइन सब्सक्राइबर। क्योंकि आप लोग यहां देख सकते हो कि आपसे अभी कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी आप 14 डेज के फ्री ट्रायल पर हो। अब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लो। उसके बाद आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, तो वो एंटर कर देना। अब सिंपल है, न्यू टैब ओपन करके सर्च करो Adobe क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड, फर्स्ट लिंक ओपन करो, यहां से डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड। अब यहां डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, इसे इंस्टॉल कर लो। उसके बाद लॉग इन कर लेना उसी आईडी से जिससे आपने मेंबरशिप ली है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको एप्स पर जाना है और यहां देखो Adobe Illustrator मौजूद है, आप यहां से इसे सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो। खैर मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है। अब कुछ लोगों को ये मेंबरशिप बहुत ज्यादा लग रही होगी, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं कुछ क्रैक वगैरह बता दूं, है ना। तो गाइस क्रैक सॉफ्टवेयर से दूर रहो, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने किसी भी चीज पर, अपने डेटा पे, लैपटॉप, पीसी पे रिस्क मत लो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जो क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा होती है, तो इस अमाउंट का 10-15 गुना ज्यादा पे करोगे पीसी को रिपेयर कराने के लिए, वायरस वगैरह हटाने के लिए। तो इन सब चीजों पर रिस्क मत लो। बाकी मुझे आपको बताना था कैसे आप इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको बता दिया। अब आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप डिजाइनिंग। बाय।